Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are well and your preparation is going smooth. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे. ये जो प्रैक्टिस सेट्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ये आपकी प्रेपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोज़ को एंड तक वॉच कर लेना, और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना. तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में डिमांड की थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो सेशन कहां पर हुआ था. ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लखनऊ. लखनऊ सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1936 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसकी डिमांड की थी? डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन नंबर डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए. सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में किसका रहा है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है? फंडामेंटल राइट्स बारो किए हैं. यूके कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने क्या बारो किया है? इससे हमने सिंगल सिटीजनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं. फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और सिंगल सिटीजनशिप यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से. और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किसका रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आपको यहाँ से बताना है जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी उसका चेयरमैन कौन था. जैसे स्टीयरिंग कमेटी जो थी उसका चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, ऐसे ही आपको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसका चेयरमैन बताना है. ऑप्शन है यहाँ से, ए पार्ट है राजेंद्र प्रसाद, बी पार्ट है बी आर अम्बेडकर, सी पार्ट है सरदार पटेल और डी पार्ट है जवाहरलाल नेहरू. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू. आपको मैं सिंपली एक चीज बताऊंगा, जहां से आपको जिस कमेटी के साथ आपको यूनियन या स्टेट, ठीक है, यूनियन या स्टेट जिस कमेटी के साथ आपको वहां से दिया गया होगा, तो आपको सिंपली उसका आंसर क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कमेटी और स्टेट कमेटी इनका चेयरमैन कौन रहा था? जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 4, विच वन एमंग द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल. आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से इंडियन लेजिस्लेचर को किसने बाई कैमरल बनाया था. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसने क्या बनाया था? इसने इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बनाया था. क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. शाबाश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कनाडा. कनाडा से हमने क्या लिया था? इंडियन फेडरेशन. फेडरेशन सिस्टम जो है ये हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. यूएसए से क्या लिया था? जुडिशियरी सिस्टम और क्या, और यहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स. इंग्लैंड से क्या लिया था? सिंगल सिटीजनशिप. आयरलैंड से क्या लिया है? DPSP. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना. यहाँ पे क्या होता है,
70% व्यूअर्स वो है जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से कौन इंडिया को डिस्क्राइब क्या करता है एज ए सेक्युलर स्टेट। ऑप्शन नंबर ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीएम्बल। इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। जो प्रीएम्बल है इट इज प्रीफेस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मेंशनड। आपको यहां से बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल्स 29 एंड 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल्स 29 एंड 31, आर्टिकल्स 30 एंड 31। शाबाश। यहां से आपको बताना है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है किस में मेंशनड है, तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 31, दीज आर अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज। जो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो क्या इंप्लाई करती है, सॉवरेंटी ऑफ पीपल, लिमिटेड गवर्नमेंट, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ऑल ऑफ दीज। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप जल्दी बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा, तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल राइट्स है दीज इंप्लाइज लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड अंडर डीपीएसपी। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन डीपीएसपी के अंडर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट पार्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक अमंग ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑप्शन यहां से है वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। शाबाश, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू ऑनली। जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक अमंग ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर जो है ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये किस आर्टिकल में मेंशनड किया गया है, 40th आर्टिकल में, और ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। आपको यहां से बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल क्या कंटेन करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स, शेड्यूल 3rd, शेड्यूल 5th, शेड्यूल 7th, शेड्यूल 11th। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेड्यूल 5th। क्वेश्चन नंबर 11, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैड बीन एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुए थे, किसके रिकमेंडेशन पे, संथनम कमेटी, सरकारिया कमेटी, सावरन सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी कमेटी। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको बताना है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बुनियाद पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सावरन सिंह कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन लिस्ट है, एक है कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और क्या है स्टेट लिस्ट, ठीक है। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट किस में आता है यूनियन लिस्ट में इन द 7th शेड्यूल। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइल्स एंड ऑयल फील्ड्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, पब्लिक हेल्थ। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइनस एंड ऑयल फील्ड्स, ये किस में आता है, ये आता है यूनियन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज।
आपको यहाँ से बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द एबो। शाबाश, जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ये क्या है, इट इज ए पॉलिटिकल राइट, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल राइट है। तो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सेज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। आपको यहां से बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशनड किया गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, आर्टिकल 45, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 50। शाबाश, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 45 और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ये किस में मेंशनड है, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एट्थ शेड्यूल। जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये किस आर्टिकल में मेंशनड किया गया है, अंडर विच आर्टिकल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ आर्मी। शाबाश, प्रेसिडेंट जो है ये भी सिलेबस में है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट क्या क्या अपॉइंट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ डिफेंस, ये सारी चीजें ये कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको कौन अपॉइंट करता है, देखो द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोथ आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, ये मेंबर्स में से इलेक्ट होते हैं बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर आर्टिकल 55 क्लास 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 55 क्लास 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। शाबाश, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18, Who among the following is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से ex-officio chairman of Rajya Sabha कौन होता है? President, Vice President, Prime Minister, Defence Minister. शाबाश, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Vice President. ये क्या होता है? He is the ex-officio chairman of Rajya Sabha. तो आपके लिए क्वेश्चन है, Who is the Vice President of India at present? Presently, India का Vice President कौन है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 19, What is the minimum age for election appointment as member of Rajya Sabha? आपको यहां से बताना है कि minimum age election या appointment as a member of Rajya Sabha वो क्या होती है? 35 years, 30 years, 25 years, 18 years. शाबाश, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन किसकी ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शाबाश, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिक के रिगार्डिंग मैंने अपनी इस चैनल पे ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड किए हैं, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाना, वहां से आपको पॉलिटिक की प्ले लिस्ट मिलेगी, आप वहां से वो वीडियोस भी चेक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इन वीडियोज में लिए हैं जिनके एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस है, तो इन वीडियोज को आप मिस नहीं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21,
The Constitution gives the powers of superintendents or all subordinate courts to High Court under which article? आपको यहाँ से बताना है कि Constitution जो है ये क्या देता है, ये power देता है supreme power to किसको देता है, हाई कोर्ट को, जो बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, अंडर विच आर्टिकल? 226, 227, 228 एंड 229. तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 227. क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑफ द थ्री टायर सिस्टम इन पंचायत राज? जो पंचायत राज है वो थ्री टायर सिस्टम है, ठीक है, आपको यहां से बताना है एपेक्स पे क्या होता है, सबसे टॉप पे क्या होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिला परिषद. पहले क्या आता है, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या आता है, पंचायत समिति, और उसके बाद क्या आता है टॉप पे, टॉप पे आता है जिला परिषद. क्वेश्चन नंबर 23, एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ The final authority to decide on a member's disqualification from the house is anti-defection law के तहत जो final authority to क्या करने के लिए, ये decide करने के लिए members की disqualification house से, वो कौन कर सकता है? President, Governor, Speaker of the House, Council of Ministers. शाबाश. तो question number 23 का answer क्या आएगा, option number C, that is Speaker of the House. क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? आपको यहां से बताना है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है. सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ए मेंबर ऑफ लोकसभा. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेंबर ऑफ लोकसभा. सिटीजन ऑफ इंडिया ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, नॉट लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, 35 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी एक क्या है, ये जरूरी होता है फॉर द प्रेसिडेंट, ए मेंबर ऑफ लोकसभा ये जरूरी नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 25, When was national emergency declared for the first time in India? आपको यहां से बताना है कि इंडिया में सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई थी? अक्टूबर 1962, फरवरी 1962, दिसंबर 1962, जनवरी 1963. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 1962. क्वेश्चन नंबर 26, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड्स एलाबोरेशन इन वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट कहाँ पाया जाता है? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में मेंशन किए गए हैं, और आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, दीज आर अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वेलफेयर स्टेट पे. क्वेश्चन नंबर 27, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज समटाइम्स कॉल्ड एज द हाउस ऑफ एल्डर्स? हाउस ऑफ एल्डर्स किस हाउस को कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, बोथ द हाउसेस, नन ऑफ द अबो. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राज्यसभा, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ एल्डर्स. क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 एडिड ए न्यू शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द शेड्यूल इज, सबसे पहला अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब हुआ था, 1951 में. तो आपको यहां से बताना है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल एड हुआ था, 11th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 12th शेड्यूल. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9th शेड्यूल. ठीक है, 9th शेड्यूल ये किस अमेंडमेंट के थ्रू एड हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स. द सीएम ऑफ ए स्टेट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ. सीएम तब तक पावर में रह सकता है जब तक उसको किन का कॉन्फिडेंस होगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. आपके लिए क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो किससे ओथ लेता है.
क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ गैप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि इलेक्शंस जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए होने चाहिए वो कितने टाइम के बाद होने चाहिए। 4 years, 5 years, 6 years, 6 months। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज 5 years। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग फुल प्ले लिस्ट चैनल पर है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ से आप वो वीडियोस सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।